प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स के बारे में बताऊंगा। हमारे पास मैथ्स में कितनी बुक हैं और कौन सी बुक पहले पढ़ाई जाएगी, इसके बारे में बताऊंगा मैं। हमारे पास बीएससी पार्ट फर्स्ट में तीन पेपर है। पेपर फर्स्ट में हमारे पास दो किताब है। एक पहली किताब है हमारे पास संख्या सिद्धांत। इसमें दूसरी किताब है अमूर्त बीज गणित। पेपर सेकंड में हमारे पास दो किताब है। एक तो है अवकलन गणित, एक है समाकलन गणित। पेपर थर्ड में हमारे पास तीन किताब है। पहली किताब है सदिश कलन। दूसरी किताब है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। तीसरी किताब है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। इस प्रकार हमारे पास सात किताब है। हमारे पास इन सात किताबों में हमारे पास संख्या सिद्धांत अगर इसमें डेढ़ यूनिट है, इसमें 3.5 यूनिट है। अवकलन गणित में हमारे पास 3 यूनिट है, इसमें हमारे पास 2 यूनिट है। सदिश कलन में हमारे पास 1 यूनिट है। द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास 2 यूनिट है। त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास 2 यूनिट है। इस प्रकार यूनिट का डिवाइडेशन है। ये जो किताब होगी करीब, ये पेपर जो हमारा होगा 50 नंबर का पेपर होगा। 25 नंबर का इसका प्रैक्टिकल है। अवकलन में हमारे पास जो है 45 नंबर की किताब है। और समाकलन में हमारे पास 30 नंबर की किताब है। ये पेपर 75 नंबर का होगा, ये भी 75 नंबर का है। सदिश कलन में हमारे पास 1 मिनट का, ये 15 नंबर की किताब है। ये 30 नंबर की है, ये भी 30 नंबर का। इस प्रकार इसका भी योग 75 हो गया। इस प्रकार हमारे पास 225 नंबर का, इसमें से 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर तो थोड़ी के हैं और 25 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। आपको 36% यानी कि बेहतर नंबर जरूरी है, बेहतर मार्क्स जरूरी है मैथ्स में पास होने के लिए। हम पेपर सेकंड पढ़ाएंगे। सबसे पहले सेकंड पेपर में अवकलन गणित, क्योंकि सबसे सीधा पेपर ये होता है अवकलन गणित। और वैसे भी आप 12वीं क्लास तक जो नॉलेज लेकर के आए हो अवकलन की, समाकलन की, तो क्यों न हम ये चाहें कि आप अवकलन और समाकलन का उपयोग भी इसी क्लास में आके करें पहले, क्योंकि वो सब याद होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उसी का उपयोग पहले हो, इसलिए हम अवकलन भी पढ़ाएंगे। अवकलन गणित, अवकलन गणित, अवकलन गणित में हमारे पास दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमारे पास करीब
पांच चैप्टर है, पार्ट बी में भी हमारे पास चार चैप्टर है, इस प्रकार नौ चैप्टर है। पार्ट ए में यानी कि पार्ट ए या फर्स्ट भी कह सकते हो पार्ट ए, पार्ट ए हमारे पास एक तो है, पहला चैप्टर नाम होगा पदिक समीकरण, पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज, चाप की लंबाई के अवकलज। दूसरे चैप्टर का नाम होगा अनंत स्पर्शी। तीसरा चैप्टर हमारे पास इसका नाम है वक्रता। चौथे चैप्टर का नाम होगा हमारे पास विचित्र बिंदु। पांचवा जो चैप्टर है हमारे पास इसका नाम है वक्र अनुरेखण। पार्ट बी में हमारे पास इसमें चार चैप्टर है, पहला चैप्टर होगा वो होगा हमारे पास आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन। दूसरा जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा हमारे पास जैकोबियन। तीसरा जो चैप्टर है हमारे पास उसका नाम है अनुलोम एवं केंद्रज, अनुलोम एवं केंद्रज, अनुलोम एवं केंद्रज। चौथे चैप्टर का नाम होगा उच्चतम एवं निम्नतम, उच्चतम व निम्नतम। इनमें से आप कक्षा 12 तक आंशिक अवकलन और उच्चतम निम्नतम के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए और बाकी सब चैप्टर नए हैं। हालांकि ये चैप्टर भी थोड़ी सी सिंपल चैप्टर है प्रश्न वाला, इसमें चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर थर्ड यूनिट फर्स्ट के दायरे में आ रहा है इसमें, और बाकी जो यूनिट है इसमें दो यूनिट और है, अनंत स्पर्शी, आंशिक अवकलन, जैकोबियन, ये यूनिट में आ रहा है। उच्चतम निम्नतम, अनुलोम केंद्रज, वक्र अनुरेखण, ये अलग चैप्टर में आ रहे हैं, अलग यूनिट में आ रहे हैं। इस प्रकार हम पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ाएंगे। यूनिट फर्स्ट में आपको सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। तो पदिक समीकरण चाप की लंबाई के जो अवकलज है उसमें हमारे पास पहला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है हमारे पास ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स का होता है ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं? आप कक्षा 12 तक कार्तीय निर्देशांकों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कार्तीय निर्देशांक पत्ती में आते हैं दोनों, जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे एक्स रेस है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई रेस है, ये एक्स अक्ष कहलाएगा, ये वाई अक्ष कहलाएगा, और कोई भी बिंदु मान लो किसी बिंदु किसी का पता करते हैं, इसमें सारे प्लस प्लस के नाम आते हैं, इसमें प्लस एक्स का पर माइनस का है, वाई का प्लस का है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है 1 2 3 4 प्लस के मान एक्स के, इधर माइनस के, -1 -2 -3 -4 इधर y के 1 2 3 4 प्लस के, ये y के -1 -2 -3 -4 इस प्रकार यहाँ पे x के प्लस के, y के प्लस के, ये पॉजिटिव है, x का प्लस का, y का प्लस का, इसका उल्टा यहाँ x का माइनस का, y का भी माइनस का, यहाँ पे x के माइनस के, y के प्लस के, ये x का माइनस का, y का प्लस का, इसके उल्टा यहाँ है का प्लस का, y का माइनस का। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ चतुर्थांश है। इसका अध्ययन आप कक्षा 9 से लेकर के 12 तक कर चुके हो और आगे भी करते रहेंगे, आगे भी चलता रहेगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है पोलर कोऑर्डिनेट आता है, ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं?
तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं और भारतीय निर्देशांक भी होते हैं। घात निर्देशांक पद्धति में कौन से मान का गुणनफल दो तीन है, इसको हम ऐसे लिख करेंगे ये इसका मान है ये y का मान है। घातीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में क्या संबंध होता है ये भी हम जानना चाहेंगे। कार्तीय निर्देशांक से ध्रुवीय निर्देशांक में कैसे बदला जाएगा, इसके अलावा ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तीय निर्देशांक कैसे बदलोगे, ये संबंध भी हम ज्ञात करेंगे। तो मैं आज आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताऊंगा। ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं, तो ये जो निर्देशांक होते हैं हमारे पास इस पर से का कैसे होते हैं, जैसे ये कोई रेखा है ये x अक्ष है, x मूल बिंदु O, यहाँ पे कोई बिंदु तीर है, है यहाँ पे मूल बिंदु ये इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर कौन थीटा है, O से लेकर T तक की दूरी R है, तो OX जो है OX को हम इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक प्रारंभिक रेखा इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियल लाइन। और इस प्रारंभिक रेखा से जो कोई कोण, मान लो कोण थीटा है, फाई भी हो सकता है, थीटा कोण बनाते ही दूसरी रेखा है ओपी है, इसको बोलते हैं परिक्रामी रेखा, क्योंकि घूमने वाली रेखा है परिक्रामी रेखा, या इसको बोलते हैं हम ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं, वैसे तो ध्रुवांतर रेखा। तो बिंदु पी के जो निर्देशांक होंगे वो आर और थीटा होंगे, यहां पे वो जो है इसको हम वैसे मूल बिंदु बोलते हैं, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, लेकिन ध्रुवीय निर्देशांक में इसको हम पोल बोलेंगे, पोल पी ओ एल, और पोल का होता है ध्रुव। तो ये कोण जो कोण बनाते हैं थीटा है, बिंदु ओ को हम ध्रुव बोलेंगे, इंग्लिश में पोल बोलेंगे, और ये जो ओपी जो है ये ध्रुवांत रेखा है ध्रुवीय निर्देशांक में, इसको हम परिक्रमी रेखा ही बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये घूमने वाली रेखा रिवॉल्विंग लाइन है, ये रिवॉल्विंग लाइन परिक्रामी रेखा घूमने वाली रेखा, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग घूमती है, इसलिए इसको परिक्रामी रेखा बोलते हैं। बिंदु ओ को ध्रुव बोलेंगे, ओ से लेकर के पी तक की जो दूरी इसको हमने आर मान ली, तो बिंदु पी के निर्देशांक ओपी और ये कोण थीटा हो जाएगा, पी के निर्देशांक में आर और थीटा। तो ये कार्तीय को ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में किसी भी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए ध्रुवांतर रेखा की लंबाई और ध्रुवांतर रेखा ने प्रारंभिक रेखा से कितने डिग्री का कोण बनाया है वो कोण, इन दोनों को हम ध्रुवीय निर्देशांक बोलते हैं, क्योंकि आर जो है हमारे पास रेखा की लंबाई है, रेखा की लंबाई ओपी रेखा की लंबाई, और ये कोण थीटा, ये कोण हमारे पास, तो किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए बिंदु से बिंदु को पी आर थीटा लिखेंगे हम, आर थीटा के अलावा कुछ नहीं लिख सकते हम, आर दूरी है, थीटा जो परिक्रामी रेखा है प्रारंभ रेखा से परिक्रामी का कितना कोण आती है उसको कोण को व्यक्त करने का व्यक्त करेंगे वो है थीटा। जैसे मान लो दूरी मान लो 3 सेंटीमीटर हो गई और कोण हो गया 60 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा ध्रुव क्या होता है, मूल बिंदु को ध्रुव बोलेंगे, ओपी जो है ओएक्स जो प्रारंभिक रेखा हो जाएगी, ओपी परिक्रामी रेखा हो जाएगी, इसको ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं, ध्रुवांतर रेखा को लेकर रेडियस वेक्टर और ओएक्स जो है प्रारंभिक रेखा है इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं, यहां पे ओपी इज इक्वल टू आर है, ये
ध्रुवांतर रेखा है, ध्रुवांतर रेखा और थीटा का कोण है कोण पी ओ एक्स, ये इसको हम बोलते हैं ध्रुवांतर कोण, ध्रुवांतर कोण है ये। इसके अलावा ओ एक्स जो कि प्रारंभिक रेखा है, ये प्रारंभिक रेखा। आपके समझ में आ गया बिंदु पी की स्थिति को हम आर और थीटा में व्यक्त करेंगे। बिंदु पी की जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसको हम आर थीटा लिखेंगे। आर का मतलब ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है, थीटा का मतलब कोण पी ओ एक्स है जो कि ध्रुवांतर कोण है। तो इस प्रकार ये ध्रुवीय संपत्ति में ये आते हैं। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि अगला पॉइंट कार्तीय और ध्रुवीय निशानपत्ति में क्या संबंध होता है। तो कार्तीय ध्रुवीय निशानपत्ति में क्या संबंध होता है, इसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो भी बताते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।